देखिए, मेरा मानना है कि 10th तक तो सिर्फ अच्छे नंबर लाने का प्रेशर होता है कि भैया एक बार बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन असली लड़ाई शुरू होती है 12th यानी कि 12वीं के बाद, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद, क्योंकि 12th के बाद हमारे ऊपर प्रेशर होता है एक अच्छा और स्टेबल करियर बनाने का। एक अच्छा करियर मतलब एक स्टेबल लाइफ, अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफस्टाइल। तो आखिर 12वीं के बाद हम पढ़े क्या? बीटेक कर लें सब लोगों की तरह, एमबीबीएस करना शुरू कर दें, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कर लें, या बीकॉम में एडमिशन ले लें, या बीए इन आर्ट्स कर लें, या होटल मैनेजमेंट कर लें। ये तरह तरह के सवाल एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की जो भी 12वीं पास करता है उसके दिमाग के समंदर में ये भंवर उठना शुरू हो जाता है। हम सब लोग इस फेज से गुजरे हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि 12वीं के बाद क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट एज अ करियर के बारे में कि क्या होटल मैनेजमेंट एज अ करियर आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो बने रहें आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में एंड आई विल बी राइट बैक। इस वीडियो को मैंने चार भागों में बांटा है, यानी कि बेसिकली आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन फोर पार्ट्स। नंबर वन इज योर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके 10th में, 12th में, 12वीं में, इंटरमीडिएट में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, आपका कैटेगरी कैसे है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड है एडमिशन प्रोसीजर, आपको एडमिशन कैसे मिलता है, क्योंकि अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, लोकल कॉलेजेस। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, कितने रैंक चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए। सो दिस इज नंबर टू। सो नंबर वन वाज एलिजिबिलिटी एंड नंबर टू इज एडमिशन प्रोसीजर। थर्ड इज कॉलेजेस, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड फंडेड कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेते हैं, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से अच्छे कॉलेजेस नहीं है, उनकी फीस, उनका ड्यूरेशन, 3 ईयर्स कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है, ये सब बताऊंगा मैं आपको कॉलेज लिस्ट में। और चौथा है होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि अगर जब आपने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया तो आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, और अगर कहाँ मिलेगी तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपकी कितनी सैलरी होगी, ये सब, या आप सिर्फ होटल में ही काम कर सकते हैं या कहीं और भी काम कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो चार चीज़ें हैं, नंबर वन इज एलिजिबिलिटी, नंबर टू इज एडमिशन प्रोसीजर, नंबर थ्री इज टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीथिंग, एंड नंबर फोर इज जॉब प्रोस्पेक्ट्स वंस यू डू योर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इस वीडियो के आगे में मैंने चार स्लाइड्स डाली हैं, चार स्लाइड्स जो मैंने डाली हैं, जो मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए थे। नंबर वन वॉज एलिजिबिलिटी, नंबर टू वॉज एडमिशन प्रोसीजर, नंबर थ्री वॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, एंड नंबर फोर्थ वॉज जॉब प्रोस्पेक्ट्स वंस यू डू योर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट और डिग्री और डिप्लोमा वॉट एवर। तो अभी जस्ट आफ्टर 1 or 2 seconds आपको चार स्लाइड्स दिखेंगी, 1, 2, 3, 4 अलग अलग मैंने डाली हैं। इनमें डिटेल में मैंने बना दिया है आपके लिए स्लाइड्स, जिसको आप देखें और आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि ये चार चीज़ें क्या हैं। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं उस स्लाइड्स को देखने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, बट दैट इज गोना हेल्प यू आउट। तो आप उसको पॉज करें, देखें और आराम से समझें, और आपको पता चल जाएगा कि आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं या नहीं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद से ज़्यादा आपकी मदद होनी चाहिए आपका एक अच्छा और स्टेबल करियर बनने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, इस कंटेंट को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपको हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देते रहूँगा बिल्कुल डिटेल में। अब मैंने उठा लिया है बेड़ा पार लगा के ही छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।